Assalamualaikum everyone, welcome back to my next vlog. कैसे हैं आप लोग? तो आज का vlog करते हैं start. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. आपको पता, अभी मैं सोकर उठी हूँ और अभी तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया. 6 बज गए हैं. निश यहाँ लेटी हुई थी, निश ने मुझे बोला कि तुमने ब्लॉग बनाया, तो मैंने कहा नहीं बनाया मैंने कुछ. फिर वो ना मुझ पे गुस्सा करके छत पे चली गई है, मुझसे नाराज हो गई है, मुझे कह के गई है ओके ठीक है. इसका टैग गिराने वाली थी मैं. कहती है ओके ठीक है ना बनाओ, आज के बाद हम लोग ब्लॉग्स ही नहीं बनाएंगे. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़. क्या उसको नहीं पता मैं ब्लॉग स्टार्ट करके बैठी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही अब मैं क्या बनाऊँ. मैं सोच रही हूँ, बिनिश नाराज हो गई है और सर्दी भी और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं सो गई थी. कॉलेज से आते ही मैं सो गई थी. तो अभी चलते जाके सूप लेकर आते हैं, फिर बिनिश के लिए भी एक लेके आऊँगी, खुद के लिए भी एक लेके आऊँगी, फिर हम छत पे जाएंगे, बिनिश को मनाएंगे नहीं क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता. इसको सूप दूंगी और फिर आगे आगे देखते हैं क्या होता है. पहले सबसे पहले देखे सूप लेकर आते हैं, फिर आगे आगे देखते हैं क्या होता है. ओके चले. फिर जाने वाली थी तो मैंने सोचा जाते जाते आपको भी बताऊं कि अभी मेरे कोई कपड़े चेंज नहीं करी, अभी कौन उठे जाए कपड़े चेंज करे ढूंढे, तो इसलिए आज मैं फिर से ना गाउन पहनने वाली हूँ. मेरी फ्रेंड्स इतनी हंस रही थी उस दिन कि तुमसे ना गाउन पहन के चला ही नहीं जाता, तो आज मैं आप लोग को चल के दिखाऊंगी. ठीक है, मैं चल सकती हूँ. चलते जाके गाउन पहनते पहले, फिर मैं आपको, मैं पैदल जाऊंगी, स्कूटी पे भी जा रही, स्मैरब जी को लेके जा रही. मैं गाउन पहन के आ गई हूँ. ये देखिए ऐसे 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 आंखें बंद करके चलते ताकि आगे टक्कर लग जाए. वाह 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 वाह. मैं आपको चल के दिखा दी गाइस, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग ऐसे करके चल सकते हो. मेरी फ्रेंड्स कहते हैं तुमसे चला नहीं जाता. क्या क्यों नहीं चला जाता? मैं क्या मतलब चलते चलते गिर जाती हूँ क्या? सीधा इसमें चलना होता है, इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल है. और मैं स्मैरब जी को अपने साथ लेकर आई हूँ क्योंकि बिनिश तो मुझसे नाराज़ हो गई है ना, उसको भी मनाना है. सूप लेके जाऊंगी तो वो मानेगी, मुझे पता है. तो उसको नहीं पता, सच में मुझको नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि मैं सूप लेने आई हूँ. तो अभी हम जा रहे हैं. अब मैं रास्ते में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि आजकल हालात बहुत ख़राब है, फ़ोन को चुरा के ले जाएगा और बिनिश को वैसे भी नहीं पता और मुझे मारना है उसने पकड़ के. इसलिए फ़ोन को पॉकेट में डाल रही हूँ. ये साइरब जी का गाउन है और इसमें इतनी अच्छी अच्छी पॉकेट्स हैं, सच में 2 पॉकेट्स हैं. और ये गाउन मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैं पहनकर भी आ गई, वरना मुझे नहीं पहनना था ना. मैंने व्लॉग को देखा, इसने मुझे सही से नहीं दिखाया गाउन मुझ पे कैसा लग रहा है. अब आप लोग देखिए, एक सेकेंड, वैसे थोड़ा सा मुश्किल है चलने. देखा देखिए यार, सच में ये साइरब जी का गाउन बड़ा प्यारा है. ये हमने ले लिया था सूप और अब हम लोग जा रहे हैं घर. गाइस मैं सूप लेके छत पे आ गई हूँ और बिनिश वो सामने बैठी है. मैंने आपको बताया ना, इसने मुझे कहा कि व्लॉग बनाए, तो मैंने कहा नहीं, फिर ये छत पे आ गई थी, बैठी हुई है दुल्हन बनके. इसने मुझे बोला कि ठीक है ना बनाओ, फिर ये ऊपर आ गई. इसको पता ही नहीं कि मैंने व्लॉग बना लिया है ना, मैंने बना लिया. बिनिश तुम्हारे लिए मैं क्या लाई हूँ, ये देखो. काश मैं इसका फेस आपको दिखाऊँ जो एक्टिंग कर रही है ना. तुम्हें बिनिश पता है मैं गाउन पहन कर गई थी. शुक्र है यार, कुछ अच्छा लाई हो. मैं आके बैठी, मुझे सर्दी लग रही है, सर्दी सर्दी लग रही है. सच्ची? यस. वेरी बैड. अब नहाई किस टाइम हो? 6 साल पहले. हाँ 6 साल पहले नहीं. मैं, मुझे कोई कपड़े शपड़े नहीं मिले थे, अभी मैं सो कर उठी थी ना. शुक्र है मेरी बाजू थक गई है. तो फिर मैं गाउन पहन के चली गई साइरब जी का, और मैं फिर गाउन उतार के आ गई और ये पहन के आ गई क्योंकि ये टी शर्ट ना वो है हाफ स्लीव और मुझे सर्दी लग रही थी. ऐसे करके खोलते हैं इसको, फिर इसको ऐसे करके खाते खाते नहीं पीते. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. आओ तुम्हें दिखाऊं, तुम भी पियो. सॉरी इनिश, तुम तो मुझे नाराज थी, मेरा सूट क्यों लिया तुमने? मैं किसी से नाराज नहीं होती, मैं नजरों से गिरा देती. हाँ बस बस बढ़िया. मैंने सोचा तुम्हारा गुस्सा से सूप से ठंडा होगा. गरम गरम सूप से इसका गुस्सा ठंडा करती हूँ. कैसा है? बेस्ट. ये भाई सच में बहुत अच्छा बनाता है. ए भाई बहुत अच्छा बनाता है. गाइस के साथ कुछ नहीं बोलना तुमने? नहीं गाइस, ये आप लोगों से भी नाराज. मैंने तो मना लिया सूप देके, आप लोग कैसे मनाओगे? फॉलो करके. 100K करके मना सकते हो, बस जल्दी से 100K करो. चलो अब खाने के बाद में. बिनिश कह रही है खाने के, पीने के बाद मिलेंगे. खाने तुम खाओ, मैं तो पी मैं खा रही हूँ, इसके अंदर जो चिकन है उसको खा रही हूँ. चलो फिर मैं भी खा रही हूँ, ठीक है? हम खाने के बाद मिलेंगे. ये खाएं
पहले अंकल हैं जो इतना चिकन डालते हैं। मुझसे अब इससे ज्यादा पिया नहीं जा रहा और मैं अब और नहीं पी रही। मैं अभी इसको दे रही हूँ कि जाके मम्मा को दे आओ, किसी और को दे दो, मैं नहीं पी रही। अब वो नीचे जा रही है और मैं क्या करूँ इधर के लिए, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज का ब्लॉग एंड करके फिर मैं भी नीचे जा रही हूँ। आज का ब्लॉग छोटा सा बना है तो आप लोग आज के ब्लॉग को, छोटे ब्लॉग को बस एडजस्ट करो। तुम जाओ ना, तुम क्यों खड़ी हो, मुझे देख रही हो। आपको बताया बिनिश ने तंग है कि तुम्हें इतना देखना पड़ता है। नीचे जा रही हूँ ठीक है, पर मेरे पास दुपट्टा नहीं है। कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे, कल वाला ब्लॉग लंबा होगा, कल कुछ अच्छा भी होगा। ना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।